ऊंट आसानी से रेत में दौड़ लेता है। रेत में बालू ही होता है ना, बालू के अंदर वो आसानी से दौड़ लेता है, लेकिन घोड़ा हुआ ये लोग नहीं दौड़ पाते, ये सब नहीं दौड़ पाते। तो ऐसा क्या खास होता है उनके पैरों में कि वो दौड़ लेते हैं? ठीक है, बालू को चलिए देखते हैं। अब जैसे कृष्णा है, हमारा भी पैर बालू में घुस जाता है कि नहीं? ठीक है, कृष्णा जरा बालू में चलो, तो स्लो चलो, एक पैर अंदर रखो, देखिए तुम्हारा पैर अंदर घुसता है कि नहीं। घुस रखो अंदर, हाँ, और दूसरा रखो, ठीक, उतना अंदर गया कि नहीं उसका पैर? देखो पैर उसका अंदर धंस रहा है कि नहीं। अब वहीं रुको, और अब ऊँट का जो पैर होता है वो नीचे से कैसा होता है, अब यहाँ पे देखो। अब जरा इस पे पैर रखो, रखो, क्या वो पैर अंदर घुस रहा है? नहीं। हमारा पैर पतला होता है, ऊँट का जो पैर होता है वो नीचे से चौड़ा होता है। चौड़ी चीज बालू में आसानी से घुसेगी या पतली? पतली, पतली। और ऊँट का पैर कैसा होता है? और इतना ही नहीं है, वो नीचे से होता है गद्दीदार, थोड़ा सा मोटा होता है। तो जैसे अगर मान लो गद्दा होता है, उस पे पैर अगर हम रखते हैं तो हमारा पैर ऊपर उठता है कि नहीं? तो ऊंट का जो पैर होता है वो गद्देदार होता है, तो जैसे वो बालू पे पैर रखता है तो उसका पैर गद्दा जो है पैर के नीचे जो गद्दा दबता है, तो बालू की वजह से वो क्या होता है, फिर वापस उठता है और उसका पैर जल्दी जल्दी पैर उसका चलता है जल्दी जल्दी। तो ऊंट जो है आसानी से बालू में दौड़ लेता है। क्या क्या कारण हुए पता चला? पहला कारण क्या है? उसका पैर गद्देदार, हाँ गद्देदार होता है। और दूसरा उसका पैर क्या होता है? चौड़ा, जिसके कारण से बालू में उसका पैर आसानी से नहीं धंसता। आ गया समझ में? वेरी गुड।